कोपगंज विकास खंड के इंदारा ग्राम पंचायत का बुनकर बाहुल्य मोहल्ला करीमाबाद में आवागमन को लेकर नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश के दिनों में सड़क व गलियों झील का रूप अख्तियार कर लेती है। करीमाबाद निवासी आलमगर की लड़की की शादी सोमवार को होनी है। बारिश के मौसम में रास्ते को जलमग्न होने से परिवार वालों में असमंजस की स्थिति बनी थी कि बारात घर तक कैसे पहुंचेगी। इसको लेकर मोहल्लेवासियों ने बारात दरवाजे तक ले जाने के लिए एक योजना बनाई कि कीचड़ से बचने के लिए वकील अहमद के नेतृत्व में मोहल्ले में जाकर घर घर से सैकड़ों तख्त व बल्ली पटरा लगाकर रास्ते का निर्माण कराया, जिसमें परिवार से लेकर मोहल्ले की काफी महिलाएं भी इस योजना में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए। पटरा बल्ली लगाकर जुगाड़ के सहारे लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। इस कार्य में श्रमदान करने वाले लोगों में वकील अहमद, अमन खान, मोहम्मद कमरान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सारिया, अलाउ, दानिश अहमान, उबैद शहजादे, निरहू मोहम्मद, मोराज जमील, मोहम्मद इस्माइल, नसरुद्दीन, जरीना बानो, शकील राबिया, तैरून गौरी, अफसर जहां, सैमून निशा, रुखसाना आदि दर्शनों लोग सहभागी बने। दारा करीमाबाद का मैं निवासी हूँ। करीमाबाद क्षेत्र में रोड की हालत इतनी बुरी हो गई है कि आने जाने वालों को सभी को दिक्कत होती है, छोटे हों बड़े हों, गाड़ी से भी आने जाने वाले साइकिल चला नहीं पा रहे हैं, इतना बुरा रास्ता हो गया है। कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। हमारी समस्या आप लोग सुने, बहुत मुसीबत में हम लोग हैं। यहाँ की रोडों की हालत ख़राब है और कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हाल में हैं, डूब के आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल के कपड़े गंदे हो रहे हैं, बूढ़े पुरानिया सब गिर रहे हैं, उल्टे सीधे इधर घटनाएं हो रही हैं, गाड़ी से कोई गिर जा रहा है। बहुत समस्या हमारे गांव में करीमाबाद के अंदर है, कोई सुनवाई हमारी नहीं है। आप लोग ज़रा ध्यान रखिए, देखिए आप।